फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं शीतल कंवर, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को करवा रही हूँ एचपी जीके, और एचपी जीके में हम लोग कवर कर रहे थे ट्राइब्स टॉपिक को। ओके, आज हम इसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्राइब्स के बारे में, ठीक है जी? ट्राइब्स के बारे में ओके। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, आप हमारी ऑफिशियल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी अफेयर्स। स्टडी अफेयर्स ऐप पे आपको हमारे सभी कोर्सेज के एक्सेस मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज क्या पढ़ाने वाली हूँ वो बताऊंगी मैं आप लोगों को। देखिए, ट्राइब्स जब हमने स्टार्ट किया था, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो एक बार प्रीवियस लेक्चर जरूर देख ले। तो मैंने आप लोगों को कहा था हम ट्राइब्स को दो तरीके से लेके जाएंगे। कुछ ट्राइब्स ऐसी होंगी जो कि हम पढ़ेंगे एज एंशियंट ट्राइब्स। ओके, कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं एज मॉडर्न ट्राइब्स। एंशियंट ट्राइब्स का मतलब क्या कि जो एंशियंट टाइम्स पे ट्राइब्स जो थी वो हुआ करती थी, उन्हें हम एंशियंट में पढ़ेंगे, और जो मॉडर्न ट्राइब्स है, जो एट प्रेजेंट हमें ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, उसे हम मॉडर्न ट्राइब्स में देखेंगे। ओके, तो एंशियंट की बात करें, हमने कुछ टॉपिक्स, कुछ ट्राइब्स डिस्कस करी थी। इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, जैसे कि दासास, खशास, किरातास, यक्षास, नागास, पिशाचास, और थे कुशानास। ठीक है, तो ये कुछ ट्राइब्स थी जो हमने कहां पे डिस्कस करी, एंशियंट ट्राइब्स में डिस्कस करी। और कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ मॉडर्न ट्राइब्स बताई थी, जैसे कि एक मॉडर्न ट्राइब हमने डिस्कस करी थी स्वांगला। ओके, आज हम जो है दो और मॉडर्न ट्राइब्स को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, जिनका नाम है खाम्पा। एक हम खाम्पा को डिस्कस करेंगे एंड सेकेंड इज पांगवाल को डिस्कस करेंगे। ओके, दो ट्राइब्स हम जो है आज कवर करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो यार मॉडर्न ट्राइब्स है, इनके हमें सारे के सारे कस्टम्स देखने हैं, जैसे कि मैरिज कस्टम्स इनके। ओके, मैरिज कस्टम्स इनके, डेथ कस्टम्स इनके, इनकी ड्रेसेस। ओके, इनका ओरिजिन कहां से हुआ था, मेंशन कहां पे मिलता है इनका, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। और इसी तरह से हम आज दो और ट्राइब्स को पढ़ने वाले हैं, खाम्पा एंड पांगवाल। और ये चीजें मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बुक है, आप उस बुक को रेफर करना चाहते हैं कि मुझे ये टॉपिक जो है पर्टिकुलर ट्राइब्स वाला, क्योंकि ट्राइब्स देखो इंपॉर्टेंट तो है यार, और इसको मुझे बुक से कवर करना है, तो बुक में आप किन चीजों का ध्यान रखें, इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, कि इनका ओरिजिन कहाँ दिया है, इनके मेंशन कहाँ मिलते हैं, ठीक है, इनकी ड्रेसेस, इनके डेथ, मैरिज कस्टम्स, इनके बर्थ कस्टम्स। ओके, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैरिज में से तो काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करेंगे आज की दो ट्राइब्स के साथ, खाम्पा एंड पांगवाल के साथ। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद खाम्पा ट्राइब। खाम्पा ट्राइब से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, इस ट्राइब को ना एक वर्ड याद रखना है यार, ग्याखर और ग्यागर। ग्याखर, ये वर्ड जो है ना इस ट्राइब से रिलेटेड है। इन लोगों को ग्याखर भी बोला जाता था, तिब्बतियन टर्म है ये ना, एक
ठीक है, तो ये वर्ड आपने याद रखना है। सेकेंड, अगर बात करें खाम्पा ट्राइब जो है ये कहां से माइग्रेट हुई है, तिब्बत से, तिब्बत वाले एरिया से माइग्रेट होके कहां आ गई थी, इधर हिमाचल में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेम्स की, इनके नेम्स इंपॉर्टेंट है यार। देखो हिमाचल के काफी एरियाज में जो है खाम्पा ट्राइब हमें देखने को मिलती है। ये जो यहाँ पे मैंने एरियाज लिखे हैं, इन जगहों पे जो है खाम्पा ट्राइब रिसाइड कर रही है और इनके नेम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कुल्लू की, कुल्लू में दो नाम है इसके, ठीक है, कुल्लू में दो नेमों से ये जानी जाती है। सबसे पहला है नियोंदी खम्पा एंड सेकेंड इज बौद्ध। ओके, नियोंदी खम्पा और बौद्ध जो है वो नाम है किसका, खाम्पा का, कहां पे, कुल्लू में। सेकेंड इज स्पीति, स्पीति में बहुत इजी है, पीति, स्पीति में क्या बोला जाता है इसे, पीति खाम्पा बोला जाता है। स्पीति तो आप एस निकाल दो, पीति खाम्पा बच गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं किन्नौर, किन्नौर भी इजी है, कैसे ही है, कुन्नू खाम्पा, कुन्नू खाम्पा इसे कहा जाता है, कहां पे जी, किन्नौर वाले एरिया में। नेक्स्ट आते हैं चंबा, चंबा में इसे कहते हैं यार थवा खाम्पा, थवा खाम्पा जो इसे है कहां कहा जाता है, चंबा वाले एरिया में। और लास्ट है लाहौल, लाहौल वाले एरिया में इसे कहा जाता है घरजा खाम्पा, घरजा खाम्पा, ठीक है। तो ये कुछ नाम है खाम्पा ट्राइब से रिलेटेड जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यार नेम्स में। सबसे पहले हमने देखा कुल्लू, कुल्लू में दो नाम है, एक तो है आपका बौद्ध और सेकंड है आपका नियोंदी खाम्पा। फिर हम गए स्पीति में, बहुत इजी है, पीति खाम्पा। थर्ड वन इज किन्नौर, कुन्नू खाम्पा। नेक्स्ट इज चंबा, चंबा में क्या बोलते हैं इसे, थवा खाम्पा। नेक्स्ट इज लाहौल, लाहौल में इसे कहते हैं घरजा खाम्पा। ओके, घरजा इस तरह याद रख लो यार, लाहौल से घर जाने को कह दिया किसी को, लाहौल से किसी को घर जाने को कह दिया, तो घरजा खाम्पा कहां देखने को मिलेगा हमें, लाहौल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं एक और टर्म है यार, निखोर खाम्पा, यहां मैंने लिखी है एक टर्म, निखोर खाम्पा। अब ये जो खाम्पा सेक्ट है इसमें जो नोमैडिक पीपल होते हैं ना उनके लिए ये टर्म यूज करी जाती है, फॉर नोमैडिक वंस। नोमैडिक कौन होते हैं, अब नोमैडिक का मतलब है बेसिकली यार इधर उधर घूमते रहते हैं जो, ठीक है, घूमते रहते हैं। बट यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना इसको पिलग्रिमेज, पिलग्रिम्स से भी एसोसिएट किया जाता है, कि जो पिलग्रिम्स होते हैं जो इधर उधर आते रहते हैं इनके एरियाज में उनसे भी एसोसिएट किया जाता है इस टर्म्स को, निखोर खाम्पा को। और कई जगहों पे इसका जिक्र हमें एज अ नोमैडिक पीपल भी मिलता है खाम्पा ट्राइब के। ओके, तो ये है खाम्पा ट्राइब के नेम, काफी सारे नाम है और हमें पढ़ना जरूरी है नामों को। ओके, आगे चलते हैं जी। तो अब हम लोग बात करेंगे यार इनके मैरिज और डाइवोर्स कस्टम के बारे में। ओके, सबसे पहले मैरिज की बात कर लेते हैं। मैरिज के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है यार, बस जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है मैरिज से रिलेटेड, एक है फंक्तुम और एक है फक्तुम, ठीक है। अब जो ये फंक्तुम है ये मैरिज सेरेमनी को बोला जाता है, सिंपल मैरिज भी कह सकते हो आप, सिंपल जो मैरिज होती है उसको क्या बोलते हैं, ये फंक्तुम कहते हैं, ठीक है। तो फंक्तुम वर्ड किससे रिलेटेड है जी, क्या कहते हैं, खाम्पा ट्राइब से रिलेटेड है, जो उनके मैरिज सेरेमनी को कहते हैं। और एक है फंक्तुम, फंक्तुम कौन है, नेगोशिएटर है, यानी कि बिचौलिया, नेगोशिएटर जो क्या करता है, फिक्स करता है मैरिजेस को। ठीक है जी, समझिए आप। देखो मैरिज सिस्टम से रिलेटेड दो वर्ड मैंने आप लोगों को बताए, एक है फंक्तुम, फंक्तुम क्या है, मैरिज सेरेमनी है यानी कि सिंपल सेरेमनी। सेकंड इज फंक्तुम, ये कौन है, बिचोलिया, बिचोलिया वर्ड शायद हम लोग सभी अवगत रहते हैं इस वर्ड से। तो जो ये है ये क्या होता है, फिक्स करता है मैरिजेस को। नेक्स्ट एक वर्ड की बात करें अगर ठोटकर, ठोटकर यहाँ पे एक वर्ड है यार जो कि व्हाइट टर्बन को कहते हैं ये लोग, ठीक है, व्हाइट टर्बन जो है शादियों पे यूज करी जाती है और उसको ये क्या कहते हैं, ठोटकर कहते हैं। नेक्स्ट इज देसिल, देसिल जो है इनकी एक स्वीट डिश है जो राइस से बनी हुई होती है, राइस का यूज किया होता है इसमें। नेक्स्ट अगर आए आगे, एक और वर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने लिखा है एक वर्ड, टिटमे डे लू और यानवा, ठीक है, काफी कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, एक बार रीड करके बता देती हूँ सही लिखना इस वर्ड को, TITMDE-LUH, ठीक है, टिटमेडे लू और यानवा। अब ये क्या है,
यानबा। ये भी क्या है? क्वेश्चन आंसर सॉन्ग्स, क्वेश्चन आंसर सॉन्ग्स। यार जो मैरिजेस होती है वहां पे ना, आपने देखा होगा अभी भी पहाड़ों में काफी जगह पे ये चीजें रेलेवेंट है, अभी भी प्रैक्टिस करी जाती है। क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेरेमनी हो रही है ना, कुछ लेडीज गाती रहती हैं गाने, उसमें एक लेडी क्वेश्चन पूछती है, दूसरी आंसर करती है। ये और जगह भी प्रेवलेंट है, ठीक है, इसी कास्ट की बात नहीं है। तो उसको क्या बोला जाता है? यानबा बोला जाता है, ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर सॉन्ग्स को। तो चार पांच वर्ड्स है जो मैरिज सिस्टम से रिलेटेड इनके हैं, ये आप लोगों ने याद रख लेने। नेक्स्ट आते हैं डाइवोर्स सिस्टम पे इनके। डाइवोर्स सिस्टम में भी आप लोगों को कल मैंने जो है एक स्वांगला ट्राइब का डाइवोर्स सिस्टम बताया था, जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्वांगला ट्राइब के डाइवोर्स सिस्टम को क्या कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डाइवोर्स सिस्टम को ये कहते हैं जटसारी झा दल्हा, ठीक है। सेकंड, झा छोछी भी कहते हैं। थर्ड, खेजे खतलजे भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो इनके डाइवोर्स सिस्टम से रिलेटेड है। यार अगर आपसे ना डायरेक्टली डाइवोर्स सिस्टम या एक वर्ड उठा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका रीजन यही है कि भाई ये वर्ड जो है वो काफी अजीब है, ठीक है। हमने नॉर्मली ये वर्ड सुने नहीं होते, ठीक है। तो यहां से आप लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेना है कि इनके डाइवोर्स सिस्टम को क्या कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, अब बात करते हैं आगे खाम्पा ट्राइब के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इनके फैमिली डेटी के बारे में, जिसका नाम है चांदना दोर्जे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है यार प्रोनाउंसिएशन में सही कर रही हूँ, रीजन में कि जो लिखा है अब लोकल लैंग्वेज में हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो। ओके, तो ये जो चांदना दोर्जे है ये क्या है? बुद्धिस्ट डेटी है, काफी फेमस बुद्धिस्ट डेटी। ओके, बुद्धिस्ट डेटी, ये भी आपने याद रखना है। और ये फैमिली डेटी है किसके? ये जो खाम्पा ट्राइब है इनके। ओके, साथ ही साथ जो खाम्पा ट्राइब है ये फोर सेक्ट्स को फॉलो करती है लामाइस्टिक बुद्धिज्म के। चलिए उस पे आते हैं। सबसे पहली है गलुका। ओके, गलुका सेक्ट को फॉलो करती है ये। सेकेंड इज निंगमापा, थर्ड इज साक्यापा, फोर्थ इज खरगुड़ापा। तो ये आपने वर्ड्स याद रखने हैं यार, पा 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 वाले वर्ड तो याद रह ही जाएंगे, जो भी जिनके पीछे पा लगा हुआ है ना, तो वो वर्ड्स किससे रिलेटेड है? लामाइस्टिक बुद्धिज्म से रिलेटेड है, खाम्पा ट्राइब के। एक पे थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना पड़ेगा और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो इसे कहते हैं गलुका। ओके, नेक्स्ट आते हैं इनके फूड हैबिट्स पे। बल्खू और नुखी, ये जो है इनके कुछ फूड्स है, कुछ डिशेज है इनकी स्पेशल। ओके, बाकी नॉर्मल जो हम लोग डिशेस कंज्यूम करते हैं वो भी ये लोग बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ड्रेसेस पे। ड्रेसेस जो है इनकी बंजुग, बंजुग है, बंजुग की ये कहते हैं शर्ट को। चूबा है, एक लॉन्ग वुलन कोट होता है, ये वुलन वूल से बना हुआ कोट, काफी लंबा। नेक्स्ट है सिरिंग किंगर। सिरिंग किंगर क्या है? कैप है इनकी। ओके, कैप को ये कहते हैं सिरिंग किंगर। ओके, तो ये चीजें भी आपको जो है पता होनी चाहिए, चांदना दोर्जे क्या है, साथ ही साथ कितने सेक्ट्स को ये फॉलो कर रहे हैं, फोर सेक्ट्स ऑफ लामाइस्टिक बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं ये, जिसमें पापा पा लग गया वो तो आपको पता होना चाहिए। एक है गलुका, वो आपको यहां से याद हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रेसेस की बात करें, तीन तरह की हमने ड्रेसेस देखी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं खाम्पा के डेथ कस्टम्स के बारे में। चार वर्ड्स हैं जो डेथ कस्टम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है शिजिक। शिजिक जो है बेसिकली फोर्थ डे पे जो है ये शिजिक होता है, फोर्थ डे पे, ठीक है। दुजिक सेवेंथ डे पे होता है। इसी तरह सिक्स मंथ्स और वन ईयर की सेरेमनीज भी होती हैं डेथ पे, ठीक है, जिसको शिपचू शेरका और लोगर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डेथ कस्टम्स है ये वर्ड्स भी आप लोगों को थोड़े बहुत याद रखने हैं, शिजिक, दुजिक, शिपचू शेरका एंड लोगर। ओके, नेक्स्ट एक चीज यार, मुंडन सेरेमनी, ये बर्थ कस्टम से रिलेटेड है बट स्टिल मैं इसको यहीं पे साथ में कवर करा रही हूँ। इसका नाम है रलदक। रलदक जो है ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं मुंडन सेरेमनी जो रहती है बच्चे की, उसको रलदक कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनके कुछ फेयर्स पे। कुछ फेयर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यार लोसर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यू ईयर, इनका जो न्यू ईयर फेस्टिवल होता है ना यार, उसे लोसर कहा जाता है। न्यू ईयर फेस्टिवल को ये कहते हैं लूसर। और कब सेलिब्रेट करते हैं ये? 24th और 25th सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे न्यू ईयर। नेक्स्ट आते हैं अगले फेयर पे, जिसका नाम है गल्दे गमचे। गल्दे गमचे ये मई में सेलिब्रेट करते हैं। मंथ भी इंपॉर्टेंट है,
ये नहीं सोचना कि अगर आपने नाम पढ़ लिया तो आप मंथ स्किप कर लेंगे, मंथ भी साथ में याद रखना है यार। देखो न्यू ईयर सितंबर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक फेस्टिवल है गल्दे गमछे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं मई में। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन भी यार फेस्टिवल से रिलेटेड। गोइटर और लदारचा फेस्टिवल्स जो है ये स्पीति और किन्नौर वाले एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पीति और कुन्नू खंपा जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करेंगे, पीति एंड कुन्नू खंपा। और मैंने आप लोगों को जब नाम बताए हैं तो आप देखेंगे जो पीति खंपा है ये कहाँ पे मिलते हैं, आपके स्पीति वाले एरिया में, और जो ये कुन्नू खंपा है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किन्नौर वाले एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो गोइटर और जो लदारचा फेस्टिवल है ना इसमें सिर्फ ये दोनों जो ट्राइब्स है ये ही पार्टिसिपेट करेंगे, एक पर्टिकुलर सेक्ट समझो ट्राइब्स का, ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ओके, तो ये चीज है। अब रहती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं जी। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ यार और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। देखिए सबसे पहली चीज, इनका एक मोस्ट पॉपुलर डिजाइन है जो कि है ड्रैगन। ड्रैगन बेसिकली ये लिखा है कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग कि ये कार्पेट्स पे जो है इस डिजाइन को जो है ड्रॉ करते हैं, और कुछ बुक्स में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि मोस्ट पॉपुलर इनका एक डिजाइन है ड्रैगन, और अलग अलग चीजों पे जो भी ये डिजाइन करते हैं उस पे ये ड्रैगन को जो है डिजाइन किया करते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें, सुकड़न एक वर्ड है यहाँ पे जो कि ये कहते हैं वुलन बेडशीट्स को। ओके, वुलन बेडशीट्स जो यार पश्मीना है ना, पश्मीना वूल, पश्मीना आपने सुना होगा। ये माना जाता है कि भाई जो पश्मीना है वो भी इन लोगों ने ही एंटर कराया था हिमाचल में, ये लोग पश्मीना लेके एंटर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, इनकी एक ट्रेडिशनल काउंसिल है जिसे कहा जाता है शुजम चुंगी। ठीक है, शुजम चुंगी इनकी ट्रेडिशनल काउंसिल है, और इसको हेड करते हैं गोवा। गोवा जो है इसका हेड हुआ करता है, जो इनकी काउंसिल है बेसिकली, ठीक है, उसको जो है हेड करते हैं इनके गोवा। तो ये थी आपकी खंपा ट्राइब। खंपा ट्राइब के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन है यार। ठीक है, बाकी आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।